जय हिंद। आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ए घनानंद, बी चाणक्य, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या थी? ए हेलना, बी कार्नेलिया, सी मोरा, डी मेगास्थिनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम था मोरा, सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? ए मेगास्थिनीज, बी इंडिका, सी अरस्तु, डी मेसिडोनियन। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थिनीज को भेजा था, सो ये इज करेक्ट ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, मौर्य वंश की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? ए आंस्टीन, बी अर्थशास्त्र, सी राजतरंगनी, डी इंडिका। तो मौर्य वंश की जानकारी मेगास्थिनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है, सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा किस पुस्तक से मिलती है? ए मुद्रा रक्षक, बी इंडिका, सी अर्थशास्त्र, डी राजतरंगनी। तो मौर्य वंश की उदय की चर्चा मुद्रा रक्षक विशाख दत्त की पुस्तक, सो इज करेक्ट ऑप्शन। छठा क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? ए मुद्रा रक्षक, बी इंडिका, सी अर्थशास्त्र, डी राजतरंगनी। तो मौर्य वंश का सर्वाधिक जानकारी अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक से मिलती है। सातवां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसके नेतृत्व से मिली? ए भद्रबाहु, बी डेरियस, सी मेगास्थिनी, डी चाणक्य। चंद्रगुप्त को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व से मिली, सो ए इज करेक्ट। आठवां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? ए 298 ईसा पूर्व, बी 304 ईसा पूर्व, सी 326 ईसा पूर्व, डी 395 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व, सो ए इज करेक्ट। नौवां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ हुआ था? ए राजगीर, बी वैशाली, सी मगध, डी श्रवण बेलगोला। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु श्रवण बेलगोला, सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। दसवां क्वेश्चन है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? ए विष्णुगुप्त, बी कौटिल्य, सी जस्टिन, डी एनबी। चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त कौटिल्य, सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, जय हिंद।